जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज के कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। बंद मकान में हुई चोरी, वाहन के पुर्जे बेचने वाले हुए गिरफ्तार, गांजा तस्कर को पकड़ाया गया। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बंद मकान में हुई चोरी। नागपुर में पारडी के शिव शक्ति नगर में चोरों ने एक मकान के 1 लाख रुपए गहने उड़ा लिए। 29 जुलाई को हीरा नामक सावरकर परिवार सहित बनारस गए थे। मेन गेट का ताला तोड़कर चोरों ने घर में प्रवेश किया, अलमारी से गहने तथा नकदी रुपए चुरा लिए। 30 जुलाई को सावरकर घर लौट आए, इसके बाद घटना का पता चला। पारडी पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। वाहन के पुर्जे बेचने वाले हुए गिरफ्तार। नागपुर में चोरी के वाहन के पुर्जे बेचने वाले आरोपी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अब्दुल समर सैयदा उर्फ गनी अब्दुल अजीज सैयद, शेख फजान शेख मुखद्दर ताजबाग तथा इरफान शेख मोहम्मद शेख वह वाहन के पुर्जे निकाल कर बेचते थे। साथ ही यह गिरफ्तार हो चुके और साथ ही इन लोगों के ऊपर मामले दर्ज कर दिए गए हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गांजा तस्कर पकड़ाया गया। नागपुर में क्राइम ब्रांच के NDPL सेल केतवारी की चुतार ओली में गांजा और चरस तस्कर को पकड़ाया गया। आरोपी शेख मुहिम शेख रियाउद्दीन भालदपुर पुलिस के समर को पकड़ाया गया और इसी के साथ 2 लाख रुपए का गांजा तस्कर उनसे बरामद किया गया। सभी साथिया शेख इताम शेख को बरामद कर दिया गया है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा हाई ट्विटर को और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं, आप इसे YouTube लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त हो चाहे दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।